नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अब यूपी में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार अपनी खेल नीति लागू करने जा रही है। कैसे खेल को देंगे बढ़ावा, यूपी खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दी जानकारी, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी खेल नीति लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक यूपी के पास अपनी खेल नीति नहीं थी। दूसरे प्रदेशों में पदक विजेता एथलीट्स को उत्साहित करने के लिए उनको सरकारी नौकरियां दी जाती थी, लेकिन यूपी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मगर अब यूपी की योगी सरकार अपने युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही अपनी खेल नीति लेकर आने जा रही है, जिसकी जानकारी खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दी। उन्होंने बताया कि महिला एथलीट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए उनको 5 लाख की धनराशि दी जाएगी, जिसके लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के पदक विजेता को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन दिनांक 25/5/2022 को किया गया फार्म आमंत्रण की कार्रवाई प्रचलित है। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे जो पदक विजेता ऐसे खिलाड़ी थे, अन्य प्रदेशों में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, उन पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर मिलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश के जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको सीधी राजपत्रित अधिकारी के पद पर लोक सेवा के आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी नौकरी देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है और उसका विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया है। आवेदन आएंगे और इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ होगी। वो प्रक्रिया हम लोगों ने 100 दिवस के अंदर मिलिया था, पूरी कर। दरअसल योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेताओं को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त करने की घोषणा हुई थी। इसमें आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं मेरठ का हॉकी मैदान, सहारनपुर और वाराणसी के लालपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक समेत कोडिया में स्टेडियम का लोकार्पण 31 जुलाई 2022 तक कर दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा कितना बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहाँ कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और उस 100 दिवस के अंदर हम लोगों ने इस बात को तय किया था कि वहाँ कुलपति और कुल सचिव और वित्त अधिकारी के पदों को हम सृजन कर लेंगे, जो 10/6/2022 को उसको भी पूरा कर लिया है। हम लोगों ने इस 100 दिवस के अंदर में जो तीसरा बिंदु था कि 4 परियोजनाओं को पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाने के संबंध में हम जो है इसको 31 जुलाई 2022 को लोकार्पित किया जाएगा। जनपद मेरठ में हॉकी मैदान है, सहारनपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण है, लालपुर जनपद में वाराणसी सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण है, विकासखंड जंगल कोडिया में स्टेडियम का निर्माण है, जो लगभग 97-98% पूरा हो गया। 31 जुलाई तक हम लोग इसको लोकार्पित कर देंगे, वो भी 100 दिवस के कार्यक्रम में उसको हम लोग रखा था, उसको भी पूरा कर लिया। वहीं इसके साथ ही खेल मंत्री ने बताया कि आजमगढ़, अलीगढ़, बस्ती, देवीपाटन, मुरादाबाद और विद्यांचल में हॉस्टल का निर्माण का लक्ष्य रखा है। वहीं हापुड़ और शामली में स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। संबल और चंदौली में जमीन ली गई है। एक जिला एक खेल में 32 जिलों में प्रशिक्षकों के चयन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने 6 ऐसे कमिश्नरी रह गई है कि जिसमें छात्रावास नहीं है, तो 6 कमिश्नरी आजमगढ़, अलीगढ़, बस्ती, देवीपाटन, मुरादाबाद और विंध्याचल में छात्रावास के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए बजटीय व्यवस्था का भी प्राविधान किया है। वो भी कार्यक्रम तेजी के आगे साथ चलेगा। 4 ऐसे जिले हैं जहां स्टेडियम नहीं है मुख्यालय स्तर पर, हापुड़ और शामली, ये दोनों जगह जमीन चिन्हित हो गई है, उसमें धन हमारी बजट की व्यवस्था में उसके काम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। संभल और चंदौली, ये दोनों जगहों में स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, प्रस्ताव आ गए हैं जिलाधिकारियों से, उस पर भी काम प्रारंभ है, इसकी बजटीय व्यवस्था पूरी है। जो बचे हुए थे कि हम लोगों का लक्ष्य ये था कि 75 जिले में 4 जिले ऐसे रह गए हैं
जहाँ स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है उसको भी हम लोगों ने स्टेडियम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बजटीय व्यवस्था और जमीन का अधिग्रहण और सारी औपचारिकताएं पूरी कर लिया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 173 डिग्री कॉलेजों में खेल सामग्रियों के वितरण के प्राविधान किए गए। एक जिला एक खेल योजना अंतर्गत 32 जनपदों में प्रशिक्षक जनपद की कार्रवाई प्रशिक्षकों के चयन की कार्रवाई पूर्ण कर लिया। बहरहाल खेल नीति बन जाने से यूपी के युवाओं में भी खेल को लेकर उत्साह बढ़ेगा और वो बढ़ चढ़कर खेल में भाग लेंगे, जिससे यूपी खेल के क्षेत्र में तेजी से विकास करेगा। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।